हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर इन चैप्टर नंबर 6, इंडिया फूड एंड क्लोथिंग. स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी विल डू द एक्सरसाइजेस. ओके, सो नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 47. Our first exercise is write T for true and F for false statement. Okay, बच्चों, इसमें जो भी statement दिया हुआ है, अगर वो statement correct है, उसके just सामने T write करना है. अगर वो statement incorrect है, तो उसके just सामने आपको F write करना है. Okay? Your first question is, we wear cotton clothes to keep us warm इन विंटर. बच्चों, हम विंटर यानी कि ठंड के मौसम में खुद को वार्म रखने के लिए कॉटन क्लोथ पहनते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. बिकॉज वी वियर वुलन क्लोथ टू कीप अस वार्म इन विंटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया बाजरा इज द स्टेपल फूड. भारत के उत्तरी भाग में बाजरा मुख्य भोजन है. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज फॉल्स. बिकॉज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया वीट इज द स्टेपल फूड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ले एंड लद्दाख एक्सपीरियंस वार्म वेदर थ्रू आउट द ईयर. ले और लद्दाख में पूरे वर्ष गर्म मौसम रहता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. बिकॉज ले एंड लद्दाख एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी अर्स्ड इंडियंस टू वियर खादी गारमेंट्स. गांधी जी भारतीयों को खादी के कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करते थे. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नायलॉन क्लोथ्स डू नॉट गेट वेट ईजिली. नायलॉन क्लोथ्स आसानी से गीले नहीं होते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज़ ट्रू. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्टेपल फूड? मुख्य भोजन किसे कहते हैं? इट्स आंसर इज द फूड दैट पीपल ईट इन अ पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज द स्टेपल फूड. किसी विशेष क्षेत्र में खाए जाने वाले भोजन को वहाँ का मुख्य भोजन कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 5 आइटम्स ऑफ क्लोथिंग दैट आर वॉर्न बाय वुमेन इन इंडिया. बच्चों, इसमें आपको कोई भी 5 कपड़ों के नेम बताना है जो भारत में औरतों के द्वारा पहना जाता है. सो इट्स आंसर इज, In India, women wear different types of clothes like sari, salwar kameez, lehenga choli, kurta, chudidar, and the last cloth is firan. Okay, our next question is, what are spices? Masale kya hai? Name any 5. कोई भी 5 मसालों के नेम भी आपको राइट करना है. सो इट्स आंसर इज, द एरोमेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज टू गिव फ्लेवर टू फूड आर कॉल्ड स्पाइसेस. पौधों के सुगंधित भाग को जिनका प्रयोग खाने में फ्लेवर डालने के लिए किया जाता है, उसे हम स्पाइसेस यानी कि मसाले कहते हैं. द नेम ऑफ द स्पाइसेस आर टर्मरिक, इट मीन्स हल्दी. नेक्स्ट पेपर, इट मीन्स काली मिर्च. मस्टर्ड सीड,
इट मीन्स सरसों के बीज, कोरिएंडर इट मीन्स धनिया, क्यूमिन इट मीन्स जीरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू पीपल वियर इन द हिली एरियाज इन विंटर. ठंड के मौसम में हिली एरियाज में लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं. सो इट्स आंसर इज इन हिली एरियाज पीपल वियर वुलन क्लोथ्स सच एज शॉल, स्कार्फ्स एंड स्वेटर्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क. स्टूडेंट्स जो होमवर्क इज फिल पेज नंबर 47. बच्चों पेज नंबर 47 में मैंने जो आपको अभी ट्रू फॉल्स पढ़ाया है उसे आपको फिल करना है और एक आंसर भी आपको लर्न करना है. दैट व्हाट इज स्टेपल फूड. यू हैव टू राइट दिस आंसर 2 times इन योर होमवर्क कॉपी. ओके दैट्स ऑल. थैंक यू.